जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज। आज एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, कभी आपको लगे ऐसा कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया, फैक्ट्री चल रही थी एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रयास करना, तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा महाराज, उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा, ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में ही रखे रहने देना, अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है नहीं चल रहा, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर जल, श्री तुम्ब रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव, तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए, बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाए तो इस डंडी के भाग को अशुक सुंदरी का स्थान होना चाहिए, चढ़ाते समय डंडी का भाग अशुक सुंदर की ओर रख दें महाराज, झोली पसार कर प्रणाम करें, बाबा से निवेदन कर कर आए, 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप्प पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम रूपेश्वर महादेव, भगवान शंकर आनंद की राशि हैं, शिव सुख की राशि, आनंद दे। ये कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज जी ने सब काम बेकार करके रखा है, कई लोग कहते हैं एक बेलपत्री चढ़वा देते हैं, मूंग का दाना चढ़वा देते हैं, चावल चढ़वा देते हैं, बेलपत्री चढ़वा देते हैं, जल चढ़वा देते हैं, धतूरा चढ़वा देते हैं। संहिता में लिखा है कि जितने समी के पत्ते डालें उतनी बार नाम और गोत्र बोले, पर आप ज्यादा बार भी ना बोल पाए तो अपना नाम गोत्र एक बार तो बोले। समी के पत्र का जल शंकर भगवान को समर्पित करें, शिव पंचायत का दर्शन करते करते एक पात्र रख लें, उस पात्र में उस जल को झेल लें, शमी के पत्ते आ जाएं तो आ जाएं, वो जल रख लें और उस जल को एक बोतल में भर लें, लगभग 15 दिन आप उस जल को जैसे शरीर पर तेल लगाते हैं उस तरह से पूरे शरीर पर मलना प्रारंभ कर दें महाराज, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन या 1 महीना, इतने में शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। और इतना विश्वास जरूर करता हूँ, मेरे महादेव पर भरोसा कर कर कहूँगा, आपने एक बेलपत्री, एक दुर्वा, एक चावल का दाना या एक मूंग भी चढ़ाई है, गेहूँ का दाना भी चढ़ाया है ना, उसके खाते में लिखा गया है, वो धन से नहीं तुम्हारे भाव से प्रकट हो जाता है। जिनके पास में करोड़ों की संपदा होगी वो तो बहुत चढ़ा देंगे साहब, पर जिनके पास नहीं है, आने तक का किराया नहीं है, और गुल्लक फोड़कर जो पिता मर गए उस पिता ने थोड़ा बहुत अगर बच्चों को दिया होगा, उसने गुल्लक में डाला होगा, तो गुल्लक का भी फोड़कर अगर यहां तक पहुंचा है तो उसका विश्वास लेकर आया है, भरोसा लेकर आया है वो, तो विश्वास बाबा कैसे तोड़ दे जी, वो भरोसा कैसे तोड़ दे। ये जो ऑपरेशन हुआ, उसका आंख का कैंसर सही हुआ, उस पत्र को जरा पढ़ेंगे तो नीचे एक लाइन उस पत्र में लिखी, मेरी बच्चे पूछती है कि माँ बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि मैं मर जाऊंगी, और आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मेरी आंख में लगाती हो तो क्या मैं बच जाऊंगी। वो बच्ची कहती है, छोटी सी 3 साल की, मंदिर में माँ के गले लगकर कहती है, डॉक्टर कह रहे हैं तू मर जाएगी, ये बच्ची जिंदा नहीं रहेगी, और तू कहती है कि पानी लगाने से मैं जी जाऊंगी। माँ क्या महादेव सुनते हैं, उस पत्र को अगर पढ़ोगे तो आपकी आंख में से आंसू बह जाएगा। मां अपनी बेटी से कहती है, शिव महापुराण में सुना है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो बचा लेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से ब्रह्माणी ने ब्रह्मदेव से मांगा। ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्माणी ने ब्रह्मदेव से मांगा। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से मांगा। पार्वती जी ने भगवान शिव से मांगा कि ऐसा वर दे दीजिए जिस वर से एक ही व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण फल मिल जाए। ऐसा एक व्रत का फल दे दीजिए, मात्र एक व्रत का। अब देखिए, हरियाली तीज करने वाली माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना। हरियाली तीज जब माताएं करती हैं तो एक हरियाली तीज, एक गणगौर की तीज, ये दो तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता। अब देखिए, दूसरा सातुड़ी तीज, इसमें उमा और महेश्वर, उमा और महेश, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन चार के व्रत तप का फल एक साथ सातुड़ी तीज के दिन प्राप्त हो जाता। अब एक आती है हरताली का तीज। आप लोग करते हो हरताली का? यहाँ लोग करते कि नहीं करते? करते हैं यहाँ पे हरताली का? कौन कौन करता है जरा हाथ उठाओ तो जरा। अरे सभी करते हो, रखो रखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। एक आती है हरताली का तीज। इस तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के आनंद के साथ में फुलेरा बनाकर करती है, और जिसमें इस हरतालिका में माता पार्वती जी के जितने जन्म पहले हुए हैं। माता पार्वती का जन्म तो 52 नंबर का, 52 नंबर पे माता पार्वती का जन्म है। इससे पहले तो माता के 51 जन्म पहले हो चुके, 51 जन्म माता पार्वती का पहले हो चुके हैं। तो वो जितने जन्म माता पार्वती पूर्व में ले चुकी हैं, ब्रह्माणी जितनी बार ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान हो चुकी हैं, इंद्राणी जितनी बार इंद्र के साथ विराजमान हो चुकी हैं, और लक्ष्मी चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो रुक्मिणी के रूप में हो, चाहे वो सतभामा के रूप में हो, चाहे वो यमुना के रूप में हो, चाहे वो गंगा के रूप में हो, जितनी बार माता लक्ष्मी ने रूप धारण करे हैं वो सब रूप में, और माता पार्वती अपने सारे रूप में, ब्रह्माणी अपने सारे रूप में, लक्ष्मी अपने सारे रूप में, इस हड़ताली का तीज के व्रत को करने के लिए आतुर रहती हैं, और इस व्रत को कल कर एक दिन में ही संपूर्ण विश्व का जितना तप है, साधना है, उपवास है, सबका फल एक साथ एकत्रित कर लेती हैं केवल एक व्रत में, हड़ताली का तीज। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, सारे व्रत आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप व्रत छोड़ सकते हो। जितने भी व्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्व के,
सोमवार मंगलवार एकादशी छठ पंचमी चतुर्थी अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप उस व्रत को छोड़ सकते हो, सारे व्रत को छोड़ सकते हो। पर तीज का जो व्रत होता है, हरताली का जो व्रत होता है, ये व्रत एक बार लेने के बाद जब प्राण छूटते हैं तभी ये व्रत समाप्त होता है, अन्यथा बीच में ये व्रत समाप्त नहीं होता। ये व्रत समाप्त होता ही नहीं। अगर शरीर से नहीं बनता कि अब हमारी अवस्था हो गई, अब शरीर से नहीं बन रहा है, तो भले एक पहर की पूजन कर, एक पहर का नियम धारण कर, एक पहर का स्मरण कर, एक पहर का पूजन व्रत धारण करो, और उसके बाद में भले आप थोड़ा सा जो भी आपको लेना है वो कर लो, पर इस व्रत को करना ही पड़ता है। इस व्रत का नियम ही यही है। इस व्रत की ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों की जो देवियां हैं, ब्रह्मानी लक्ष्मी और पार्वती, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। हरताली का तीज शिव महापुराण की कथा ही नहीं, आप जो तीज करते हो, हरियाली करो चाहे सातुड़ी करो, उस तीज की महत्वता क्या है, इस हिंगोली की शिव महापुराण की कथा में अपने को समझना है कि उसकी मूल तत्वता, उसकी महत्वता है क्या, उसका महत्व क्या है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों की जो अर्धांगिनियां, ब्रह्मानी लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों ने तप कर, साधना कर ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को प्राप्त किया, और तीनों ने प्राप्त कर तीनों देवताओं से वर मांगा कि वर हमको ऐसा दीजिए कि हमारे तप साधना का फल नारी को तीज के दिन प्राप्त हो जाए। अब देखिए जरा, एक ही व्रत से, एक ही उपवास से उसको संपूर्ण तप साधना का फल प्राप्त हो रहा, संपूर्ण तप साधना का फल उसको मिल रहा है, मात्र एक व्रत से, केवल एक व्रत कर रहे हैं, संपूर्ण तप साधना का फल उसको प्राप्त हो रहा है। ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई शंभू